पोटीदार की मनमानी को लेकर शैलेंद्र कवि का प्रदर्शन। पूरा मामला सकलेटिया ब्लॉक अंतर्गत धराहरा गांव से है, जहां एक तरफ से बेरोजगार को लेकर काफी जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों का हक भी नहीं मिल पा रहा है। सप्लाई इंस्पेक्टर और कोटीदार मिलकर कर रहे धन उगाही। इसकी जानकारी जब युवा मोर्चा शैलेंद्र कवि को मिली तो ब्लॉक पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं की गई तो आगे प्रदर्शन जारी। शैलेंद्र कवि, रविशंकर मिश्रा की खास रिपोर्ट। कवि एडवोकेट सर, किस बाबत आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? ग्राम पंचायतों को एक रजिस्टर दिया जाता है, जिसमें किसी भी अंत्योदय कार्ड को बनाने के लिए एक प्रस्ताव और एक मीटिंग बुलाई जाती है। दो बनवासी धरारा ग्राम सभा के जो 3 वर्षों से पंजाब रह रहे थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट युवा संघर्ष मोर्चा के द्वारा दर्ज कराई गई, जिस रिपोर्ट में ये पाया गया कि वो पंजाब प्रांत में नौकरी कर रहे थे, उनके अंत्योदय कार्ड का राशन 2 वर्षों से उठा करके बेच दिया जा रहा था। जब कंप्लेन की गई तो कंप्लेन में यह बात सही पाई गई, कोटेदार का सीज कर दिया गया जो उसको पावर दिए गए थे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पर उन्होंने कार्ड को अपडेट कर दिया। वो दो कार्ड की जगह इन्होंने अपने मन से वो दो कार्ड बना दिए, तो ग्राम पंचायत किस लिए है? ये ब्लॉक की बिल्डिंग किस लिए बनाई गई है? ग्राम पंचायत अधिकारी क्या कर रहे हैं? बेशर्मी की चरम सीमा हो गई है। खाद रसद विभाग बिना ब्लॉक से पूछे हुए और ग्राम पंचायत के अधिकारियों से पूछे हुए बैठ करके वहीं से कार्ड बना देगा, वो भी अंत्योदय कार्ड। गरीबी रेखा के नीचे ग्राम प्रधान को पता नहीं है कि उसमें अंत्योदय कार्ड किसमें जुड़ा हुआ है, सेक्रेटरी को पता नहीं है, सेक्रेटरी लिख करके बता रहे हैं कि हमारे मामला संज्ञान में नहीं है। तो आज इस मांग के लिए कि BDO साहब खाद रसद विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए कि क्या ग्राम पंचायत के अधिकारियों का हनन खाद रसद विभाग कर लेगा? ये कोई मतलब पेंडुलम चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, चीन का शासन चल रहा है कि जो मन सो कर लेंगे। इसलिए ये चेतावनी देने के लिए कि अगर उनके अधिकारों का हनन, ग्राम पंचायत के अधिकारों का हनन हुआ है, तो प्रधान और सेक्रेटरी जाकर के मिल करके खाद रसद विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि इन दोनों लोगों की मिली भगत से ये भ्रष्टाचार फल और फूल रहा है। इसलिए ग्राम पंचायत के अधिकारों को बचाने के लिए और ग्राम प्रधान को जो अधिकार दिए गए हैं उसकी रक्षा के लिए आज युवा संघर्ष मोर्चा सकलडीहा ब्लॉक के सामने इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इस बात को गंभीरता से ले लें। अगर 3 दिन के अंदर इस मामले को संज्ञान के लेकर कार्रवाई नहीं होगी तो शुक्रवार से यही बैठ करके जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा दिन रात हम लोग यही बैठेंगे।